निबंध क्यों लिखते हैं? निबंध लेखन मूलतः मनुष्य की विचार यात्रा का एक ऐसा जीवंत दस्तावेज होता है जिसमें विचारों की श्रृंखला चलती रहती है। निबंध लेखक स्वतंत्र विचार के साथ मनुष्य संसार और मनुष्य का अपने संसार से, अपने समाज से क्या संबंध है, उन संबंधों को परिभाषित करने के लिए यदि विचार सरणी में, विचार यात्रा में कोई सबसे अच्छा माध्यम निर्मित होता है तो वह निबंध यात्रा का माध्यम होता है। निबंध लेखन के लिए कोई निश्चित विषय, कोई निश्चित समय और न ही कोई निश्चित श्रृंखला होती है, बल्कि निबंध लेखक एक आइडिया के साथ विचार की अनंत उड़ान यात्रा में चला जाता है। निबंध लेखन में एक तार्किक संगति बराबर देखने को मिलती है। बराबर एक तार्किक संगति चलती रहती है और उस तार्किक संगत के साथ निबंध लेखक संसार यात्रा में चलता चला जाता है। यह लेखक की यात्रा होती है और इस यात्रा में लेखक अपने समाज के साथ, अपने संसार के साथ, अपने मानवीय संबंधों के साथ यात्रा करते हुए आगे बढ़ता है। सबसे पहला प्रश्न निबंध लेखन के संदर्भ में यह उठता है कि निबंध क्यों लिखा जाए, निबंध की जरूरत क्यों पड़ती है, किसी भी समाज में, किसी भी समय में निबंध क्यों अचानक चर्चा में आ जाता है और एक समय के बाद निबंध लेखन थोड़ा रुक सा जाता है। अगर हम हिंदी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो निबंध यात्रा की शुरुआत आधुनिक चेतना के साथ होती है। आधुनिकता की तर्क संगत के साथ साथ निबंध लेखक उस आधुनिक विचार यात्रा के साथ मानवीय समाज की संगत बिठलाने का काम कर रहा था। तो निबंध लेखन में सबसे पहले जो जरूरी तत्व महसूस होता है वह विचार की अनंत सूत्रता। निबंध लेखक एक विचार से दूसरे विचार, तीसरे विचार, चौथे विचार और इस तरह से अनंत विचारों की यात्रा में चला जाता है और यह निबंध की विचार यात्रा एक तार्किक संगत के साथ आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया जाए और कुछ भी लिखे हुए को निबंध मान लिया जाए, बल्कि निबंध गद्य लेखक की कसौटी है। ठूस ठूस कर यहां विचारों को एक समूह में, एक बंडल में बांध कर रखा जाता है। इस तरह से निबंध लेखक काम करता है, यानी विचार की जो स्फुलिंग है
जो विचार की श्रृंखला है, उस विचार की श्रृंखला को एक ठोस आकार, एक ठोस रूप निबंध लेखक अपने निबंध में देता है। निबंध की इस विचार यात्रा में वैचारिकता प्रधान हो जाती है, बुद्धि प्रधान हो जाती है, पर विचार और बुद्धि का तब तक कोई मायने या अर्थ नहीं बनता जब तक उसकी हमारी आत्मा के साथ संगति न हो। हमारी आत्मा उस विचार यात्रा के साथ संगत बिठलाना जानती है या नहीं जानती है, जब तक ये नहीं संभव होगा तब तक निबंध लेखन की विचार यात्रा कोई मायने नहीं रखती। इसलिए निबंध की विचार यात्रा की जब बात की जाती है तो निबंध की विचार यात्रा में बुद्धि तत्व के साथ साथ हृदय तत्व को भी केंद्रीय स्थान मिला, और इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसा निबंध लेखक अपने चिंतामणि निबंध संग्रह की भूमिका में लिखते हैं कि यात्रा के लिए बुद्धि निकलती है पर हृदय को भी रमने का स्थान मिल जाता है। यह बुद्धि और हृदय के समन्वित योग की यात्रा ही निबंध लेखक की यात्रा होती है। निबंध लेखक स्वतंत्र सोच का, वैचारिक चेतना का और विचारों की संगति बिठलाने वाला एक ऐसा मनस्वी होता है, एक ऐसा चिंतक होता है जो किसी एक मोड़ से, किसी एक विषय से उस विषय की अनंत सूत्रता को, उस विषय के सूक्ष्म भाव तंत्र को खोज निकालने का काम निबंध लेखक करता है। इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि निबंध लेखक किसी एक मोड़ पर, किसी एक विषय पर, किसी एक बिंदु पर एक खोज यात्री की तरह, एक शोध विमर्शकार की तरह काम करता है। निबंध लिखना कभी भी आसान नहीं रहा और निबंध लिखने की जटिल यात्रा को हमारे लेखकों ने वैचारिक चिंता के साथ एक चैलेंज के रूप में लिया और निबंध उस दौर में सामने आता रहा जब जब मनुष्यता के सामने संकट की स्थिति पैदा हुई, जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की स्थिति बनी और जब जब वैचारिक आलोड़न की जरूरत महसूस की जाती है तब तब निबंध लेखक और निबंध की विचार यात्रा अपने अनंत सूत्रों के साथ चल पड़ती है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि निबंध एक विचार यात्रा है और एक ऐसी विचार यात्रा है जिसमें यात्रा के लिए बुद्धि निकलती है पर उस बुद्धि के साथ हमारा हृदय तक अंतःस्थल के रूप में कार्य करता है। निबंध की तार्किक संगत मानसिक योग और हमारे हृदय तत्व के समन्वित योग से निबंध यात्रा एक जीवंत यात्रा पर चल पड़ती है, और अक्सर यह देखने में आता है कि हम उसी निबंध यात्रा को याद रखते हैं, अपनी स्मृति में रखते हैं जिस निबंध यात्रा में व्यक्तित्व की प्रधानता होती है। इसलिए यह भी कहा गया कि निबंध एक स्टाइल है, एक व्यक्तित्व है। निबंध लेखक अपने स्टाइल से, अपनी शैली से पहचाना जाता है। किसी पैराग्राफ को पढ़ते ही अचानक मन कह उठता है कि अरे यह निबंध तो फलां लेखक का है, पढ़ते ही आप कह बैठते हैं कि यह निबंध तो कुबेरनाथ राय का है, या यह निबंध का अंश, यह पैराग्राफ हजारी प्रसाद द्विवेदी का है,
यह पैराग्राफ आचार्य शुक्ल का है, या यह पैराग्राफ विद्यानिवास मिश्र का है, या यह पैराग्राफ अज्ञेय का है, या यह पैराग्राफ मुक्तिबोध का है, यह का उठना ही निबंध की सफलता होती है, निबंध की अपनी स्वतंत्र स्टाइल का पैमाना होता है। और निबंध लेखन इसलिए भी मूल्यवान है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए हम निबंध लेखन के माध्यम से विचार की अनंत यात्रा पर चलते हैं, और इस विचार यात्रा से एक समाधान के सूत्र पर पहुंचने की कोशिश निबंध लेखक की कोशिश होती है। इस तरह निबंध विचार प्रधान, वस्तुनिष्ठ और तथ्य प्रधान और गवेषणात्मक आकार में होते हैं। निबंध मूलतः मनुष्य की मनन क्षमता, मनुष्य की वैचारिक स्थिति और मनुष्य के सोचने के तरीके को अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए यह कहा जाना ज्यादा ठीक है कि निबंध की शैली और निबंध के प्रकार विषय की अनंत सूत्रता के साथ नए नए आकार लेते रहते हैं, और इसी में निबंध की परिभाषा और निबंध की शैली और निबंध की व्यापकता आकार लेती है, जन्म लेती है। हम कह उठते हैं कि यह निबंध तो ललित निबंध है, यह निबंध विचार प्रधान है, यह निबंध मनोवैज्ञानिक निबंध है, यह निबंध तार्किक संगति का विश्लेषणात्मक और विवेचनात्मक निबंध है। इस तरह निबंध किसी एक तर्क से तर्क की अनंत सूत्रता को अपने भीतर लेते हुए विचारों की संगत को बिठलाने का काम करता है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि निबंध मनुष्य की मनन क्षमता का अजस्र स्रोत है, जहां मनुष्य की वैचारिकी, मनुष्य की स्वतंत्रता और मनुष्य की तार्किक चिंतन क्षमता को हम देखते और समझते हैं। इसी में निबंध लेखक की सफलता है कि वह अपने युग के प्रश्नों को खोज सके और युग के प्रश्नों को समाधान प्रदान करने के लिए निबंध के मार्फत एक वैचारिक यात्रा पर समाज को ले चल सके। यही निबंध लेखक की सफलता होती है और यही निबंध की विशेषता होती है, और निबंध लेखन में इन सारे तत्वों को, मोड़ों को लेकर हम चलते हैं। धन्यवाद।